शाह पतिराज नवलाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राज्य सरकार के विभागीय आदेशानुसार शाह पतिराज नवलाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य गीता ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानी नगरपालिका उपाध्यक्ष लालचंद चौहान, रानी नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता इलिया सड़वा, भाजपा सर मंडल अध्यक्ष जयंतीलाल वैष्णव, समाजसेवी एवं पार्षद सुनील बेहरवा, ललित सोनी सहित गणमान्य नागरिक रानी द्वारा कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथि सम्मान, प्रतिभा सम्मान समारोह, स्काउट प्रमाण पत्र वितरण, खेल प्रमाण पत्र वितरण, भामाशाह सम्मान, शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर महेंद्र सिंह उदावत सहित अध्यापक संपाला संदेल हरमत सिंह सहित विद्यालय के समस्त अध्यापकों द्वारा अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रानी उपखंड के खिवाड़ा कस्बे के बालाजी प्रसादी स्थल पर राघव आदेश महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छासोर न्यायालय के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हरीश कुमार खिवाड़ा, सरपंच श्रीपाल वैष्णव, उप सरपंच प्रहलाद चौहान और महाविद्यालय अध्यक्ष रमेश कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वही कार्यक्रम के संस्थापक खेतरपाल गर्ग ने महाविद्यालय के प्रतिवेदन तथा न्यायाधीश हरीश कुमार ने छात्रों को अपने उद्बोधन में लगातार मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है, प्रायोगिक परीक्षा में के तैयारियों के बारे में छात्रों को अवगत करवाया गया। संस्थापक खेतरपाल गर्ग आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन भूमिका राजपुर, सुमन वैष्णव, भूपेंद्र जांगीर द्वारा किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर माधव सिंह इंदा, निदेशक कमलेश गर्ग, संस्थापक खेतरपाल गर्ग आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार रानी से दुदुर गांव तक सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा पत्र के अनुसार रानी से दुदुर गांव तक 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। रानी नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता इलिया सरवा ने बताया कि रानी से दुदुर गांव तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी होने पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे क्षेत्र में आमजन से राहत मिलेगी और इस रोड पर केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बनने के बाद भी रोड का निर्माण कार्य नहीं होने से काफ़ी समय से बारिश के दिनों में स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। कई बार तो दलदल में गाड़ियां भी स्कूली गाड़ियां फंस गई थी, जिसे बड़े हादसे होते थे, बस गए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृति जारी करने के बाद विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुसार आज रानी से दूधवर तक सीसी रोड सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मॉडर्न स्कूल में बच्चों को जाते वक्त बारिश में बहुत परेशानी होती थी, किसानों को खेतों में जाने के लिए भी बहुत परेशानी होती थी, कई बार गिर भी जाते थे और लग भी जाती थी। 2 करोड़ की लागत से ये बनने वाला सीसी सड़क, इसे बच्चों के और दूधवर के और रानी के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। रानी नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तमाम पार्षदों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने ये सीसी सड़क 2 करोड़ की सीसी सड़क की स्वीकृति देकर आज कार्य शुरू करवाया। रानी में 1260 सुपारी और ट्रॉपियों के पाउसीज। जिले में चल रहे छूत के लिए युद्ध अभियान के तहत गठित की गई टीम द्वारा रानी में कार्रवाई की गई, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद चौधरी ने रानी एसटीएम रविकांत सिंह के साथ मेसर सरस्वती स्टोर पर कार्रवाई की गई, जहां पर टीम को बिना निर्माता अवधि दिनांक की सुपारी व ट्रॉपी के पाउच मिले। इस
टीम ने कार्रवाई करते हुए 1260 सुपारी और ट्रॉपिक के पाउच को सीज कर सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चौधरी ने बताया कि सैंपलों की जांच के लिए जोधपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने पर फर्म के खिलाफ नियमानुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा टीम ने अन्य फर्मों पर भी कार्रवाई करते हुए बेसन और मसालों के सैंपल लिए गए हैं, जिससे रानी नगर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार तो अपनी दुकानों को बंद करके एक इधर उधर भागने लगे।